अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल में आपको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल की इस पहली वीडियो में आपको चैनल की इंट्रोडक्शन के साथ साथ ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाली मज़ीद बहुत सी मालूमात हासिल होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि बाद में आने वाली मज़ीद वीडियो भी आप तक पहुँच सकें। आपको हमारे इस चैनल पर खुसूसी गायनी से मुतल्लिक तमाम किस्म की मालूमात, दिन बंदिन लाइफ में सेहतमंद रहने की टिप्स और बहुत सी हेल्थ और ब्यूटी टिप्स भी फराहम की जाएंगी। तो अपनी पहली इस वीडियो का आगाज़ हम अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल्ल के कलाम पाक के ज़िंदगी में अहमियत और उसके फ़वाइद से करेंगे। जिस तरह से कुरान पाक की तिलावत करने के हमारी ज़िंदगी में बेशुमार फ़वाइद हैं, इसी तरह से कुछ मखसूस सूरतों को बाद में तिलावत करने से भी हम मज़ीद फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पर बात करते हैं। मैं आपको कुछ ख़ास सूरतों के बारे में बताऊंगी जो नमाज के बाद तिलावत करने से हम अपने बेशुमार मसाइल का हल जान पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल हो सकें। नमाज़ फजर के बाद सूरह यासीन की तिलावत की जाए तो दिन भर की हाजात अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे लेते हैं। नमाज ज़ुहर के बाद सूरत फतह, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि हज और उम्र की सआदत हासिल ना कर ली जाए। असर के बाद सूरत नबा, इसका ये फ़ायदा है कि अल्लाह ताला महशर के दिन की सख्ती से हिफाजत फरमाएंगे। इसी तरह से नमाज मगरिब के बाद सूरत वाकिया पढ़ने से अल्लाह ताला हैब से रिज़्क़ का बंदोबस्त करेंगे। और नमाज इशा के बाद सूरत रूह की तिलावत करने से अजाब कब्र से हिफाजत और क़यामत के दिन शफात का ज़रिया बनेगी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी मालूमात आपको फराहम की गई हैं इन पर अमल करके आप बहुत से फ़वाइद हासिल करेंगे। और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सकें। आपका बहुत शुक्रिया।